और खबर आगरा से है, जहां हिमाचल पुलिस ने कैदी को दिया वीआईपी ट्रीट। हथकड़ी लगाए ताजमहल देखने पहुंचा कैदी। कैदी को पेशी पर लाई थी हिमाचल प्रदेश पुलिस। हथकड़ी लगे कैदी को ताजमहल में नहीं मिला प्रवेश। तो देखिए, पूरी यहां पर कोशिश जरूर की गई थी कि वीआईपी ट्रीटमेंट मिले। पेशी पर इस कैदी को लाया गया था, लेकिन वो यहां पर बोर ना हो तो दीदार करने के लिए ताजमहल का यहाँ पर हिमाचल पुलिस उसको लेकर पहुंच जाती है। हाथों में हथकड़ी आपको नजर आ रही होगी, जो खाकीदारी है वो हथियार से लेस नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे किसी कैदी को सहूलियत मिलती है? तो कैदी और पुलिस का ये ताजमहल पहुंचना चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। वीडियो बनाने पर पुलिस ने कैमरा छीनने की भी कोशिश की है। ताजनगरी आगरा में हिमाचल की पुलिस एक कैदी को वीआईपी ट्रीटमेंट देती हुई दिखाई दी। जी हाँ, मामला आज तड़के सुबह का है, जब ताजमहल पर एक कैदी हथकड़ी लगाए हुए ताजमहल की दीदार करने के लिए पहुंचा और उसके साथ एक सिपाही हिमाचल प्रदेश का था। इस सिपाही को जब कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की और उससे पूछने की कोशिश की कि आखिर आप एक कैदी को खुलेआम कैसे घुमा सकते हैं, तो वहां पर सिपाही ने कई लोगों के कैमरे पर हाथ भी मारा और उन्हें रोकने की कोशिश की। सिपाही का कहना था कि वो सिर्फ घूमने के लिए आया है। ये पता लगाया गया है कि ये जानकारी हुई है कि सिपाही जो है वो पेशी पर इस कैदी को लेकर आया था और जब समय था तो उसने सोचा कि क्यों ना ताजमहल देख लिया जाए और वो कैदी को हथकड़ी लगाए साथ ही ताजमहल देखने के लिए पहुंचा। हालांकि ताजमहल में दोनों को प्रवेश नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल ये पूरा विषय जो है उस क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से दिलीप दुबे, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।